दोस्तों हम लोग जा रहे हैं बिलासपुर बाई रोड, और इस समय हम पहुंचे हैं ये अपना बरगढ़ शिव मंदिर के पास। और ये है यहाँ का सड़क, और काफ़ी ग्रीनरी से भरा हुआ और बहुत ही ज़बरदस्त व्यू के साथ आपको यहाँ देखने को मिलेगा ये पहाड़। और इस पहाड़ के ऊपर जो है मंदिर है शिव भगवान का ही, लेकिन वहाँ पहुँचना बहुत ही दुर्लभ है, बहुत मेहनत का काम है। और एंजॉय करिए हमारे साथ सड़क पे। और यहाँ पास जो है आपको दहने पे जो है अभी सावन में मेला देखने को मिलेगा, और हर वर्ष यहाँ मेला होता है और बहुत ही मज़ेदार होता है, और भीड़ भाड़ भी काफ़ी रहता है हर सावन के सोमवार में। और ये है यहाँ का वातावरण, और इस समय जो है सोमवार के समय बहुत भीड़ का वातावरण रहता है यहाँ। और सड़क ठीक ही ठाक है, बहुत बेहतरीन तो नहीं बोलेंगे पर ठीक ही ठाक है। और यहाँ चढ़ाई के लिए जो सामने देख पा रहे हैं ये बहुत ही मुश्किल है जाना वहाँ। और ये हमारा जो है हसदेव नदी है, और लग रहा है इस बार जो है ज़्यादा पानी नहीं गिरा, इस वजह से यहाँ सूखा लगा हुआ है, पानी कम देखने को मिल रहा है। और ये काफ़ी चौड़ी हो जाती है यहाँ पर। और ये उसके बाद निकलने के बाद कलतरा के बाद का सड़क है ये, और इस पे जो है एक पुल मिलता है, और ये भी काफ़ी ओवर ब्रिज है। अभी हम शुरुआत पे हैं इसके, देखिए काफ़ी लंबा है ये ब्रिज, और इसमें आपको बहुत ही जानवर देखने को मिलेंगे, गाय बैल। और यही एक एक्सीडेंट का वजह बनता है किसी राहगीर के लिए जब वो बाइक पर सफ़र करते हैं या कार पर सफ़र करते हैं, तब बहुत दुर्घटनाएं जो है इसी वजह से होती है। रात में ये काले जानवर जो हैं दिखाई नहीं पड़ते हैं, और जब तक कंट्रोल किया जाता है तब तक एक्सीडेंट ही हो जाता है। तो इस तरह से जो है अच्छी है सड़क खरसिया से बिलासपुर का नेशनल हाईवे 49। और ये इसका नज़ारा, और गोबर के चलते जो है यहाँ पर सड़क जो है बहुत गंदा हो गया है, गोबर गोबर। और बाकी सब ठीक है, मज़ेदार ड्राइविंग है। इसमें हमको समय लगा था, हम सुबह 8:30 बजे निकले थे और 8:30